सुबह मेरे पास में 500 की सूचना थी, फिर अब 531 यानी पिछले 5-6 घंटे में 31 पट्टे और बने हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं जाकर समझता हूं कि राजस्थान में सबसे टॉप पर हमारी नवलगढ़ की नगर पालिका होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पट्टा वितरण के अंदर सालों से आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारे पट्टे बने। हमने वादा किया था आपसे कि प्रशासन शहरों के दिन अब आएगा, उसमें आप सबके पट्टे बनना शुरू हो जाएंगे। और अभी तक कितने पट्टे बन चुके हैं? 1300 पट्टे नवलगढ़ नगर पालिका के द्वारा बन चुके हैं। 531 आज पट्टे इससे पहले बन चुके हैं। नई जो खुशखबरी है, लगभग 93 खसरे, 93 खसरे जिसमें 2800 परिवार लाभान्वित होंगे। हमारी वाल्मीकि मोला, हमारा वाल्मीकि मोला, हमारा नायकान मोला, खटिकान मोला, ये चुंगण भाइयों वाला और गौशाला के आसपास का सारा एरिया, दारूग्राम मस्जिद के आसपास का एरिया, ये 93 खसरे का तो लैंड यूज यानी भूमि का परिवर्तन हो चुका है और बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर देंगे। यहां रहने वाले लोगों को भी पट्टा जारी हो जाएगा। उसके अलावा एक नंबर वार्ड वाला शायद अभी नहीं आया है, जो सोमोटो वाला है वो भी हो गया। अरे छित्र जी भाई साहब, हमारे एक नंबर पार्षद, एक नंबर के एक नंबर पार्षद आप वाला भी हो गया है। आप किस तरह साइन किए? आपके धक्के मारे, यानी ऐसा ही चाहिए। चलो बढ़िया बात है। थैंक यू भाई अनिल। आज तक क्या ईओ के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो कौन से, तो इस रेस्पेक्ट को बनाए रखना। नगर पालिका में हमारा कोई भी व्यक्ति आए उसका मान सम्मान भी करो और उसका काम भी करो। ये जिम्मेदारी हमारे युवा साथी जो हमारे पार्षद हैं, जी जान से लगे अपने वार्ड के अंदर लोगों को लाभान्वित करने के लिए। हमारे चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे एक एक कार्यकर्ता, हम चाहते हैं कि नवलगढ़ की जनता को इस बात का एहसास हो कि आपका राज है नवलगढ़ में, 36 कौम का राज। ये डॉक्टर राजकुमार आपके द्वारा लगाया पौधा है। इस पौधे के अंदर आप हर बार खाद पानी डालते रहते थे। लोग दुआ करी मेरे लिए थे लोग, और आज जो कुछ भी नवलगढ़ के अंदर हो रहा है, चाहे आपका जिला चिकित्सालय, याद करो मैंने कहा था कि जिला अस्पताल बनाऊंगा नवलगढ़ का, आपका जिला अस्पताल बन गया। अभी 35 डॉक्टर काम कर रहे हैं, 6 महीने रुक जाओ, 70 डॉक्टरों की टीम नवलगढ़ के अस्पताल में सेवा में लगी रहेगी दिन रात। और लगभग 250 नर्सिंग कर्मचारी, ऑपरेशन थिएटर, मैंने कहा था कि एम्बुलेंस आ जाएगी आपकी, वो एम्बुलेंस अगर प्राइवेट, भगवान करे किसी को आवश्यकता नहीं पड़े अस्पताल के लिए एम्बुलेंस की, लेकिन जिस प्रकार से हालात हैं, बीमारी को कोई भरोसा को नहीं, कोरोना जैसी की केज बीमारी आई, डेरो बन पड़ो, ऐसे एम्बुलेंस अगर किराए पर मंगाओ तो 5,000-10,000 रुपए लेगा। वे क्रिटिकल केयर जिसमें आईसीयू सारी चीजें भी कमाए लगे नहीं है। वह एम्बुलेंस 800-150 बना पहली तारीख सेवा में समर्पित कर दी है नवलगढ़ के अस्पताल में। वो कोई एहसान को नहीं था हर पर मनी लाइफ बनाया। 2007 के माह थे, लोग कहता कि नवलगढ़ में कोई काम को नहीं, राजकुमार तेर पर विश्वास कर रहे हैं, हमें हमारे विश्वास ने तोड़िए बता काम करवा दे। आज से चिकित्सा को मामलो, चाहे शिक्षा को, लड़का लड़के कॉलेज नवलगढ़ में तो है ही। अब मुकुंदगढ़ के माँ चेयरमैन जी बैठे ही बैठे भी कन्या महाविद्यालय खोल दिए है, ITI कॉलेज पहली खुल गई। सड़का का मामला में
10 किलोमीटर सड़क माननीय अशोक गहलोत साहब पिछली बार की जगह का टेंडर होगा और 15 किलोमीटर सड़क और दे दी नगर पालिका का। 45 करोड़ रुपए की जाखलानी रोड बड़वासी डुंडलो प्रसाद राय सड़क बन रही है, चल रहे काम। कौनशाली सड़क को काम चल रहे है, छह महीना कमाए बड़वासी रोड को काम चल रहा है और पांच बच्चे किया इका टेंडर की प्रक्रिया में है। कौन सी लोहागढ़ वाली बसा वाली पानी बिजली सड़क चिकित्सा शिक्षा सर्वांगीण विकास के लिए कर आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट में राजस्थान का लोकप्रिय मुख्यमंत्री खूब दियो है। आपने नौगढ़ के लिए जितनी जोड़ी फैलाई वे दोनों हाथों से भरी है। जोरदार ताली बजाकर माननीय अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद ज्ञापित करो। और नवलगढ़ के लिए तो 35 करोड़ रुपए की अलग से सौगात दी है। अगले 13 या 14 तारीख को वर्ल्ड बैंक की टीम आने वाली है नवलगढ़ में। राजस्थान सरकार का बड़ा बड़ा अधिकारी आऊंगा जो रामदेवरा चौक से लेके जिसका हेरिटेज वहां का बनाना चाह रहे हैं। देखो लास्ट देखने आ रहे हैं ये लोग कि अता पिसा अगर लाग रही तो कठे लाग रही वहां जगह कौन सी है कि जो राजस्थान के इतिहास के अंदर अमर होने वाली है वो हमारा नवगढ़ का रामदेवरा चौक, हमारा सूर्यमंडल मैदान। सूर्यमंडल मैदान आप लोगों ने भी जन्मे तब से वैसे ही देखा होगा। जब ये पैसे खर्च होंगे ये मैदान अपना मूल स्वरूप में आएगा, हॉस्टल बनेंगे बच्चों के लिए, तब आपको लगेगा कि वास्तव में बच्चों के लिए शानदार खेल मैदान का निर्माण हो चुका है। नवलगढ़ का मुख्य द्वार नहीं है, मुख्य द्वार हम बना रहे हैं कृषि उपज मंडी के पास में और उस द्वार के साथ साथ हेरिटेज वॉक चलेगा, उसमें हमने रोजगार का ध्यान भी रखा है कि उस बना रहे हैं वहां भी। कहने का मतलब जयपुर के अंदर नगर निगम के द्वारा जेडीए द्वारा हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक चौपाटी तैयार की गई है जहां पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वो चौपाटी अपने क्रिसमस मंडी से जब अपन आएंगे नवलगढ़ की तरह वहां पे स्थापित करने जा रहे हैं ताकि लोग कियोस्क ले किराए पे और शाम को जब घूमने के लिए परिवार निकले बच्चों सहित तो उनको एहसास हो कि हम किसी शहर में रह रहे हैं, वो भी नवलगढ़ जैसे महानगर में रह रहे हैं। ये आने वाले वक्त में यानी ज्यादा समय नहीं है, ये भगवान ने चाहा कि साल भर के अंदर ही आपको ये सारी चीजें जो बता रहा हूं याद करो। जब 2007 में मैं बोलता था कि ये काम होगा लोग क्या कहते थे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही कोई नहीं, कॉलेज बना दे। आज ये सारी चीजें आपके सामने है, सपना देखता हूं आपको दिखाता हूं, लेकिन उसके लिए आपको 5 साल में एक बार जगाता हूं 1 महीने के लिए और पूरे 5 साल आपका राजकुमार जगता है इस पूरे टीम के साथ। आपको 5 साल में सिर्फ 1 महीने जगाता हूं और आप लोग जगते भी हो मेरे लिए, मेरे लिए लोगों के पास जाके हाथ भी जोड़ते हो। मैं समझता हूं इस बात के लिए भूखे पैसे घूमते भी हो घर घर जाते भी हो। मेरी माता बहनों बुजुर्गों युवा साथियों आपसे कहना चाहूंगा कि आपका भरोसा डॉक्टर राजकुमार कभी नहीं तोड़ेगा। आप लोग मेरी ताकत हो मैं आपकी ताकत हूं, इस ताकत को बनाए रखना। और आज पट्टे जिनको मिल रहे हैं उनको सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई।